महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय मां चरणांतिकम्। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च काम दितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नवदीप धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। श्री गुरुपाद पद्म के अहित की कृपा से नित्यानंद प्रभु महाप्रसन्न सचिनंदन गौर हरि सबके कृपा से वैष्णव की कृपा से हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य से ये सफल हो रहा है क्योंकि अभी 2 साल हुआ कोरोना हो गया। सब लोग चाहते हुए भी आ नहीं पाए कर नहीं पाए। भगवान की बड़ी कृपा से वो संभव होती है। तो आज हम लोग परिक्रमा में जाते जाते हरिहर क्षेत्र और गोद्रुम स्वरूपगंज उसके बाद नरसिंहपल्ली होकर के आए। नरसिंहपल्ली में विषय वहां कथा हुआ था। नरसिंहपल्ली किए थे ना। अच्छा जीत प्रभु ने किया नहीं श्री कृष्ण प्रभु। अच्छा वहाँ प्रहलाद महाराज के चरित्र भगवान सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है ध्रुवेर चरित और प्रहलाद चरित ध्रुव का चरित प्रहलाद चरित से प्रहलाद चरित को बार बार सुनते थे। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ये प्रहलाद चरित को सुनते थे क्योंकि प्रहलाद चरित जो शिक्षा है बड़ी मार्मिक है। बार बार इसलिए सुनते थे क्योंकि प्रहलाद शिक्षा में प्रहलाद महाराज की मनुष्य जीवन की दुर्लभता को मनुष्य जीवन में किस प्रकार हम लोग परमार्थ साधन कर सकते
उसके बारे में प्रहलाद महाराज असुर बालक लोगों को शिक्षा देकर भी सफल हो गए और असुर लोग भी बदल गए। इसलिए हम लोगों को ये बार बार सुनने से ही, क्योंकि अधोक्षजम वस्तु श्रवणैव विद्यं, भगवान अधोक्षज वस्तु है, वो केवल श्रवण के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत चक्र से ही हरि भजन करना शुरू करेंगे। कहते को बचपन से कैसे करेंगे, वो तो कौन सा धर्म बचपन से कर सकते, उपनयन संस्कार आदि न हो तब तो धर्म नहीं कर सकते, वर्णाश्रम धर्म आदि। लेकिन कहते धर्मान भागवतान यह मतलब इसी जगत में केवल एक धर्म है जो भागवत धर्म, धर्मम जस्य मदात्मकम, भगवान कहते हैं मदीय धर्म वो भागवत धर्म, उनको कर सकते। भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, भगवत संबंधी धर्म, यानी जिसमें भक्ति धर्म, जिसमें भगवान पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं। धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म को भगवान ने स्वयं प्रणयन किया, ये धर्म है भागवत धर्म। उसी धर्म को केवल श्रवण करने से ही, श्रवण कीर्तन के द्वारा ही ये जाना जा सकता है, आचरण किया जा सकता है। और श्रवण कीर्तन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इसको बचपन से शुरू कर सकते हैं। और वो प्रतिक्षण वर्धमान, जितने बार 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 इसी धर्म के बारे में श्रवण करेंगे, फिर उसी धर्म में उतना प्रवेश होगा। भजन करना मतलब है कि बस उनको सुनना, श्रवण कीर्तन और बोलना, इसे सब से हरि नाम लेना। तो और ये जो भागवत धर्म को विशेष रूप से श्रवण, भगवान स्वयं कृष्ण जब सचिनंदन गौर, श्रवण किसके संबंध है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के संबंध है, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम, उनकी वैष्णव भक्तों, ये सबके बारे में केवल सुनना बस भक्ति है। जगत में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनको केवल सुनने से हो जाएगा, करना पड़ेगा आपको, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, वो सुनने के बाद नहीं होता है, सुनने के बाद आपको करना पड़ेगा। लेकिन भागवत ऐसा है धर्म, केवल श्रवण मात्र ही साधनम, श्रुणवतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणि। कहते हैं कि देखो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के संबंध में पाल भाती ऐसा है, और पता भी चल गया काम करेगा, क्या करना पड़ेगा, सुबह उठ करके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आए कौन कुछ बोले कि कुछ करो, केवल कथा सुनो, 5 बजे सुनो। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बड़ौद के भक्त लोग जब पहले पहले नया जुड़ गए थे तो लोग वृंदावन आए, उन लोगों का मन में था वृंदावन जा रहे हो तो दर्शन करना, बहाने ला रहे भागी पटक दिए रूप सनातन गौड़ी मठ में,
और बस जाओ तो कहां भी जाते थे गए इस्कॉन मंदिर में नया नया सब लोग मिल करके चले गए। तो महाराज जी का फोन गया, अरे भाई वहां क्यों गए, जल्दी आओ कथा शुरू होगी। क्या भाई कथा शुरू होगी, ठीक है आ गए। दो बार फिर दूसरा जगह गए दर्शन करने के लिए, आधा जाके पहुंचे महाराज जी, फोर बोले फोर फोन गया, भाई कहां गए तुम लोग, ना महाराज जी हम लोग आ गए वो गोविंद के मंदिर दर्शन करने, क्या करे उधर जल्दी आओ इधर हरी कथा होगी। क्या भाई कथा 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 कथा, आए इतना दूर से, कोई दर्शन नहीं कुछ नहीं, केवल कथा सुनेंगे, क्या कथा सुनेंगे समझ में नहीं आता है। तो बाद में जब समझ में आया तब हमको बता रहे थे महाराज, अभी तो पता लग रहा है कि नहीं तो पहले कितना बार जाते थे वृंदावन दर्शन ठीक से नहीं होता था, लेकिन जब कथा सुने तब अभी दर्शन होती है। और आप लोगों को कोई सचमुच विचार करो, श्रवण के द्वारा ही कैसे साधन होते हैं, अनुभव करने का चीज है। अगर आप लोग हरि कथा श्रवण नहीं करते, यहाँ बताओ वैष्णव के साथ में श्रवण नहीं करते, स्थान स्थान में जाकर के हरि कथा, टूरिस्ट गाड़ियों के साथ अगर आप लोग आते एक साल आ जाते, दो साल आ जाते ज्यादा से ज्यादा, तीसरा साल को यहाँ नवद्वीप धाम में कोई आते जरूर बोलते कहा क्या है वहाँ, गाड़ी में जाके लोग घूम के आ जाएंगे, कुछ है ही नहीं, हरिहर क्षेत्र में छोटा मंदिर है और सुवर्ण स्वरूपगंज में एक छोटा है। प्रति क्षण वर्धमान भक्ति बढ़ती है, हरि नाम लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, इसलिए श्रवण ही अधोक्ष जो वस्तु, क्योंकि भगवान अधोक्ष जो वस्तु है। आज एक रास्ते में जाने के समय कोई जोग माया ने धाम को ढक करके रखा है, कोई अंदर जा नहीं सकते लेकिन पासवर्ड देख रखा है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड जानते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं कुछ आपसे आ गया मोबाइल में, उसको डालो तो अंदर नहीं जाओगे, उसमें कुछ अगर आपका फाइल है तो उसमें आपको पासवर्ड, जितना जितना आए परिक्रमा में जितना जितना वैष्णव मुख से हरि कथा सुने और फिर सत्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुस्त्र सुविस्तत क्षणात्, कि यहाँ पर सुनना ही सब कुछ है क्योंकि भागवत धर्म है। इसलिए जिस स्थान पे जाते कथा सुनते हैं, जहाँ पर शाम को कथा हो, कथा होगी हमारे सार श्रवणाख्य भक्ति महाराज। तो इसलिए श्रवणाख्य भक्ति, श्रवण ही जिनका साधन है, ये भागवत धर्म प्रहलाद महाराज जी विशेष से वही शिक्षा दिए। और अपना पिताजी को भी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य, इतने भक्त बने हैं सब लोग श्रवण करके। इसलिए हमारे जो 64 अंग भक्ति का रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसम सिंधु में लिखा है, उसका पहला साधन क्या है, भक्ति अंग क्या है, आदो गुरुमुखा श्रवण, पहला है गुरुदेव की मुख से सुनना। वेद में भी कहा गया भद्रम कर्णेभ्य श्रुणुयाम देवा, कान में भद्र वचन मंगलकारी वचनों को सुनना चाहिए, श्रवण ही साधन है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भाई तुम्हारे शरीर को संसार में पूरा पूरा दे दो, शरीर का प्रत्येक अंग को संसार में दे दो, हाथ में काम करो, पैर में कहां जाने कंपनी को जाओ, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारे जो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणी विधुनोति श्रोत सधम, कि केवल सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। कहते सुनने के बाद क्या होगी, न कृष्ण श्रो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन ही पुण्यमय है और उसको सुनने से बस हृदय की सारी कलमस अभद्राणी नष्ट प्रायसु, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। श्रवण के द्वारा ही अंदर में भगवान को प्रवेश कराना, मतलब दूसरे किसके द्वारा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे परम गुरुदेव बोलते थे दर्शन के द्वारा उल्टा भोग हो जाएगा, हम विग्रह को देखा अच्छा सुंदर श्रृंगार नहीं हुआ तो हमारे आंखों को आनंद नहीं मिलता है, ऐसा क्या है। लेकिन जब अच्छे श्रृंगार हो तो हम देखते बहुत सुंदर, लेकिन कान में अगर श्रवण किया है आएंगे कथा सुनाएंगे, कोई नहीं आया तो कथा में पूछते हैं कि वैष्णव की दयालुता क्या पता है,
गुरुदेव दयालु किसलिए है? दयालु इसलिए है कि हमको बार बार बैठा बैठा कर कथा सुनाते हैं। महाराज जी कहते कथा हरि कथा है, हरि कथा है, तो हरि कथा में इसलिए सुनना चाहिए। साधु संगे हरि कथा एकमात्र चाहिए, संसार जिनित और कौन वस्तु न। साधु संग में हरि कथा सुनना ही सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए महाराज जी अभी आप लोग कथा सुनाएंगे और श्रवण करके ही कर्णों को पवित्र नहीं, पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, परम पावनम। तो इसलिए सारी इसी वाणियों के साथ मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। पंचा भरत पावन गौर प्रेमानंदे प्रसिद्ध नृसिंह भगवान भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज जय। गौर प्रेमानंदे आज हम लोग अपने श्री नरसिंह पल्ली गए थे, वहाँ पर भी कुछ कथा आप लोगों ने सुनी। यदि जो जो श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध में श्री प्रहलाद महाराज की कथा आती है, क्यों ये सप्तम स्कंध में क्यों आती, फिर दूसरे दूसरे स्कंध में कितने आती? बोले वहां पर श्री व्यासदेव जी ने बताए जो भागवत जो ग्रंथ जो एक एक पार्ट है ना, प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध तृतीय स्कंध, जो एक एक स्कंध है उसका एक एक लक्षण बताए बताए। जो सप्तम स्कंध का लक्षण क्या है, बोले उसका लक्षण है उत्ति। क्या है बोलो? उत्ति। उत्ति मतलब क्या? बोले कर्म वासना, कर्म का वासना। तब बोले इसलिए सप्तम स्कंध का नाम उत्ति बताए, यदि वहां पर जो कर्मों के विषय पर वहां पर विचार किया गया, इसलिए बोले कर्म दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? यदि एक है बढ़िया कर्म और एक घटिया कर्म है, एक उत्तम कर्म और एक अधम कर्म है। इसलिए यहाँ पर दो, वहां पर दो प्लेयर, एक एक तरफ में हिरण्यकश्यप है, एक तरफ में प्रहलाद। ये दोनों का अंदर में ही पूरा सप्तम स्कंध, ये दोनों का अंदर में है। यदि भैया एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ, एक का नाम प्रहलाद क्यों हुआ? बोले हिरण्यकश्यप मतलब क्या है? बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण सोना, कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जो सोने के ऊपर सोता है। बोले सोने के ऊपर सोचता मतलब क्या? बोले परीक्षित महाराज उन्होंने कली को कहाँ पर स्थान दिया है? सोने में स्थान दिया है। इसे जितना भोग है ना, बताए जहाँ पर ज्यादा पैसा होगा, कर जितने सारे अनर्थ है वही देखो, जितने सारे पाप कर्म वहीं पर देखो, जितने जुआ भी देखोगे वहीं पर, मांस मछली मदिरा भी देखोगे वहीं पर, बेस्या खाना भी देखोगे वहीं पर, जितने जहाँ पर जिसको पास में जितने ज्यादा पैसा होगा देखना, जितने सारे पाप का आश्रय वहीं पर, जितने सारे गलती का जो पाप का जो चार स्थान दिया है वो सारे देखोगे पूर्ण रूप में वहीं पर सारे देखो। इसलिए इसका नाम हिरण्यकश्यप मतलब क्या हो गया? जो सोने के ऊपर जो सोता है, मतलब क्या है? जो केवल भोग के सिवाय जो कुछ नहीं जानता है, जिसको पास में ज्यादा पैसा वो क्या करेगा? कहीं तो उड़ाएगा पैसा, कितना पैसा करेगा क्या? अगर पैसा है, पैसा का नाम लक्ष्मी है, पैसा का नाम क्या है? लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी है किसकी? नारायण की, भगवान की। अगर कोई अगर लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा दे, इसलिए एक तो लक्ष्मी सीधा नरक का द्वार खोल देती है, लेकिन लक्ष्मी भी वैकुंठ का द्वार भी खोल देती है, दोनों को द्वार खोल देती है। अगर लक्ष्मी को देखना आप अक्सर करके, उसका जो वाहन है ना उल्लू, लक्ष्मी किसके ऊपर बैठती है? इसलिए अगर माँ लक्ष्मी को घर में अकेले बुलाओ ना, फिर उल्लू को ऊपर बैठ कर गाएगी, फिर हमें उल्लू की पट्टा बोलते ना, गाली देते हैं ना, इसलिए फिर हमें वो उल्लू बनाएगी जब उसको भोग के लिए। क्यों? लक्ष्मी तो ठाकुर जी का, तुम्हारी भोग का विषय है नहीं, पर हमें उल्लू बनाती है मूर्ख। लेकिन अगर हमने
लक्ष्मी को बुलाए। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी का नारायण की ठाकुर की है माँ लक्ष्मी, आप नहीं होता तो बताओ, लक्ष्मी नहीं होता तो अब नवद्वीप कभी आ सकते थे? किसने लाई है? लक्ष्मी ने लाई। जो घर में किराए में जो रह रहे हो, लक्ष्मी के बगैर रह सकते हो? रह नहीं सकते हो। जो भोजन कर रहे हो, टिकट बनाया ना, लक्ष्मी के बगैर भोजन नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकती हो। लेकिन आप लोगों ने सही लक्ष्मी को प्रयोग किया। क्यों? आप लोगों ने भगवान की धाम में आप लोगों ने आए हो, ठाकुर का धाम में आए हो। लक्ष्मी आपको बड़े प्रसन्न है, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। क्योंकि मेरे को तुमने नवद्वीप धाम में गए, हरि कथा सुने, भगवान की धाम में परिक्रमा की है, आपको पर लक्ष्मी पूर्ण रूप में संतुष्ट है। हाथ ताली बजा सो के सब। लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर में सही सही लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर में कृपा की है, हैं? इसलिए हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही इतना जोर से, अरे खोल दो ना उसको, ऊपर खड़े होकर खोल दो। देखो बाहर इधर ही लगा, अंदर भी लिखा हरे कृष्णा। बड़ा वाला दे दो। हाँ बड़ा वाला दे दो, खोल दो उसको। इधर तो कोई बैठा है? तो कोई बैठा है नहीं। आप भी बैठे हो? हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ो। हाँ पाँच दस मिनट बोल कर फिर चले जाएंगे, और कहीं जाना फिर। हरे कृष्ण हरे, ठीक ठीक छोड़ दो। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। इसलिए कहते लक्ष्मी क्या करती है, गोलोक वृंदावन के द्वार भी खोल देती है, और लक्ष्मी हमें नरक का द्वार भी। इसलिए इनका नाम हिरण्यकशिपु, मतलब जो केवल भोग के सिवाय जो कुछ हो नहीं जानता है, जो कुछ देखे केवल भोग भोग भोग। लेकिन भक्त जो कुछ देखता है क्या देखता है? अगर कहीं बढ़िया सुंदर साड़ी देखा, मतलब राधा रानी के लिए साड़ी ले जाते, कितने राधा रानी को बढ़िया लगता है। कहीं बाजार में गया, कहीं सुंदर फल देखा, अरे ठाकुर जी हम गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए अगर ये फल ले जाते ठाकुर को भोग लगता है ना। कोई भी बढ़िया चीज भक्त देखता है वो क्या सोचता है, ये चीज हम कैसे ठाकुर को सेवा में लगाएं, हैं? इसलिए ये तो सही है। इसलिए इसका नाम हो गया हिरण्यकशिपु, जो केवल केवल भोग भोग को करते। दूसरे तरफ में प्रह्लाद, प्रह्लाद का मतलब क्या है? कहते प्र, प्र मतलब होता है पूर्ण रूप में, लाद, लाद मतलब होता है आनंद, जो पूर्ण रूप में जो आनंद में रहता है। एक तरफ में पूर्ण रूप में आनंद का बात बताया, दूसरी तरफ में क्या बताए? भोग बात। लेकिन ये हुआ कैसे? कहते ना उत्ति, उत्ति मतलब कर्म वासना है, इसलिए अच्छी एक बुरी और एक अच्छी है। देखो ये कैसे हुआ है। अभी प्रश्न है, अभी ये हिरण्यकश्यप का हृदय में ये भोग की वासना क्यों आई? अब प्रह्लाद महाराज हर समय आनंद में रहते हैं, भगवान के चरण में उनकी भक्ति की, क्यों ऐसे क्या हुआ है? ऐसे उसमें क्या चीज हुई है? एक तो भोग के तरफ में गए और एक भगवान की भक्ति के तरफ में गए। यही दो चीज सप्तम स्कंध में समझाने के लिए परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी उन्होंने प्रश्न किया। तो देखो कहते हृदय में दुर्वासना, गद्दी वासना कब आता है? मतलब तभी आता है जब हमारी किसी संतों को चरण में अपराध हो जाए, किसी वैष्णव चरण में अगर तुम्हारी अपराध हो गया। इसलिए दस स्तर का नाम अपराध, दस स्तर का नाम अपराध। पहला अपराध क्या है? वैष्णव का निंदा, सबसे पहले वैष्णव का निंदा। इसलिए भैया अगर दुनिया इसका निंदा कर दिया कर लिया, लेकिन कभी भूल से भी किसी साधु संतों का निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा भगवान खुद कहते हैं, अगर ये हाथ मेरी, ये हाथ अगर कभी संतों के विरोध में चला गया, मेरे भक्तों का विरोध में अगर मेरे हाथ में चला गया, ठाकुर जी का ये हाथ को मैं काट डालूंगा। मेरे संतों का विरोध में तुमने गया है, क्योंकि भगवान ये संतों के बुराई क्यों नहीं सुन सकते हैं? जगत में भगवान की कथा को फैलाने वाले कौन है? संत ही है। संत अगर नहीं होता तो जगत अभी नहीं रहता, जगत जल उड़कर खत्म हो जाती जगत हो, संत अगर जगत में नहीं होता। और जिस संतों ने जगत में मेरी वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं, भगवान कहते भैया इस संतों का मेरे बुराई में कैसे सुन सकता हूँ? जिनकी है, जिनकी वजह से दुनिया में मेरी नाम गुण कीर्तन हो रहा है। आज जो नवद्वीप धाम में आए हो कैसा है? जरूर संतों कहीं ना कहीं संतों ने कथा सुनाया, भक्तों ने कथा सुनाई, महिमा नवद्वीप धाम की तभी तो आए ना।
हैं, संतों की वजह से मेरे को दुनिया जानते, इसलिए संतों का बदनामी को मैं सह नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान अपना माँ को भी माफ नहीं किया, दूसरों को तो माफ करना छोड़ दो, कहते भगवान अपना माँ को भी उन्होंने माफ नहीं किया है। इसलिए कभी सच्ची मैया की, जब बड़ा बेटा विश्वरूप जब सन्यास होकर चला गया, अद्वैत आचार्य जो टोल में पढ़ते थे, सच्ची माँ बड़े दुखी हो गए है। हर व्यक्ति चाहते ना बेटा बढ़कर क्या होगा, हमको देखभाल करेगा, बुढ़ापा का लकड़ी बनेगा, बोलते है ना। लेकिन अगर बड़ा बेटा सन्यासी बन गया, जिस वजह से थोड़ी सी उनको मुंह में अपशब्द निकलेगा, अपशब्द तो है ही नहीं, उन्होंने नाम था अद्वैत। बोले कौन इसको अद्वैत कहता है, अद्वैत मतलब आ मतलब नहीं, द्वैत माने दो, जो दो नहीं वो एक। बोले कौन इसको अद्वैत कहता है, वो द्वैत। क्या हम परिवार को साथ में बेटा बेटी आनंद पूर्वक रह रहे थे, मेरे बच्चे को ऐसे मंत्र पढ़ाया, मेरा बच्चा ही बाबा बन गया, संत बन गया है। इसलिए इतनी सबको बोल दिया और कुछ नहीं। लेकिन महाप्रभु जब सबको प्रेम दे रहे थे है मुक्त हाथ से, लेकिन माँ को प्रेम नहीं दिया। श्रीवास पंडित बोले प्रभु सबको तो आप प्रेम दे रहे हो, मैया को क्यों नहीं दे रहे। बोले मैया ने वैष्णव अपराध किया है, अद्वैत चरण में अपराध किया है, इसलिए माँ भगवान की जो माँ अपना जसोदा मैया, उनको भी जा करके अद्वैत चरण में माफी मांगना पड़ा, तभी जा करके उन्होंने उसको माफ किया। इसलिए वैष्णव अपराध बड़ी खतरा है, ये बड़ी खतरा ये वैष्णव अपराध, इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते ये हिरण्यकश्यप का हृदय में इसलिए भोग की वासना हुई, कहते चुके उन्होंने वैष्णव चरण में अपराध किया है, संतों के चरण में उन्होंने अपराध किया है। है कौन संत है, अपराध उसने कैसे संत की है, संत हुआ तो अपराध हुई कैसे। बोले एक समय वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी की सुगंध थी, ये वैकुंठ से बहते हुए किसी ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी चार मानस पुत्र थे, सनक सनातन सनातन सनत कुमार। जब इनकी नासिका में प्रवेश किया, इतने सुंदर उसकी खुशबू थी। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है। बोले बेटे ये वैकुंठ से ठाकुर का चरण तुलसी खुशबू। बोले जिनकी चरण की तुलसी खुशबू इतने, वो खुद ना खुश खुशबू नहीं होंगे, वो कितने सुंदर नहीं हो। बोले बेटा हाँ बड़े सुंदर है। बोले पिताजी दर्शन करके आए। बोले जाओ दर्शन करके आओ। लेकिन पहले वो भी भगवान को निराकार निर्विशेष और ब्रह्म ज्योति को ध्यान करते थे हैं। नारद को ब्रह्मा जी सुनकर खुश हो गए, क्यों, जब ये ठाकुर को दर्शन करेंगे ना, बोले तब तक भगवान को निराकार निराकार कर सकता है जब तक उनको दर्शन नहीं किया, एक बार उनका दर्शन कर लेना सब खत्म हो जाएगी है, सब इसकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोले जाओ दर्शन करके आओ। सच मुझसे जब उन्होंने गए, सात दरवाजा पार होने पर दर्शन होगा, छह दरवाजा तो कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सप्तम दरवाजा में जय विजय खड़े हुए थे। जब ये नंगे धर के जा रहे थे, जिसको बिना बोले, बोले कहाँ जा रहे हो, लक्ष्मी को साथ में नारायण है, अभी किस स्थिति में पता नहीं, तुम बिना बोले अंदर में घूम है, अंदर में घुसते जा रहे, रुक जाओ यहीं पर। जब उन्होंने लठिया को उन्होंने ऐसे बंद कर दिया ना, जैसे सोए हुए सांप को कोई छेड़ दे, इतने में उनका इतना क्रोध आया। बोले क्या, हम जैसे चतुसन ब्रह्म ज्ञानी के लिए वैकुंठ मतलब क्या है, जहाँ पर कोई कुंठा धर्म नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, और यहाँ पर भगवान को कोई डर भय है, और हम जैसे व्यक्तियों को रोकने वाले कौन हो सकता है, हमको रोका है ना, हम अभिशाप देते हैं, जाओ तुम राक्षस जन्म में तुमको जाना पड़ेगा। रोने लगे, उनका रोना सुन करके भगवान अंदर से आए। बोले क्या हो रहा है। बोले क्या बात। बोले ऐसे ऐसे। देख बच्चों, अगर तुम मेरे शत्रु बन करके जाओगे ना, तीन जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे, सात जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हैं। बोले प्रभु हम तो चाहते जल्दी जल्दी आपके पास में वापस आ जाना चाहते। बोले जाओ राक्षस जन्म में जाओ। लेकिन अभी प्रश्न है, शास्त्र कहता है जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम। वैकुंठ किसको कहते हैं, जहाँ जाने पर एक जीव कहीं वहां से कहीं उसको नीचा नहीं गिरते हैं। भगवान के धाम के जाने पर कभी नीचे नहीं गिरते हैं। पर ये नीचे वैसे कैसे गिर गए, इतने ऊंचाई में जाकर नीचे कैसे गिर गए। बोले ठाकुर को थोड़ी सी इच्छा थी। बोले ठाकुर को क्या इच्छा था। बोले ठाकुर जी हर समय सोते रहते हैं, देखना नारायण अलग
इसको पर अनंत नाग वर्षा ने किए हुई है। मैया लक्ष्मी हर समय प्यार को गोद में लेकर पलट रही है, कभी छोड़ नहीं रही। बोले क्यों? बोले और भी नहीं चल जाए, माता को भी डर रहता है हमारे पति और किसको प्यार नहीं करते और किसको पास में चले नहीं जाए, इसलिए उनका चरण को छोड़ती नहीं। बोले यही रहो और कहीं जाना नहीं आपको कहीं, इसलिए हर समय गोद में प्यार को लेकर बैठी हुई लक्ष्मी है। और इनको पर में और किसका अधिकार नहीं होने चाहिए, हर समय उनको है गोद में। ठाकुर जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बोले रस पार है, कितना रस है? बारह रस है, उसमें एक रस है वीर। वीर मतलब होता है लड़ाई करना, युद्ध करना है, वीर रस कहते युद्ध करना। वीर रस को कहते सारे रस तो मैंने आस्वादन की, लेकिन अभी तक एक रस को मैंने आस्वादन नहीं कर पाए। बोले कौन सा? बोले वीर युद्ध करना। अब बताओ युद्ध किसको साथ होता है? एक चिट्टी और हाथी में कभी युद्ध हो सकता है? नहीं, बराबर वालों के साथ में ही युद्ध होता है, बराबर वालों के साथ में। इसलिए भगवान की इच्छा है जब मैं मरते जगत में जाकर के थोड़ा मैं युद्ध करूं। बोले सबको साथ में तो लीला होगी नहीं, कहते अपना भक्तों को साथ में मेरी लीला हो सकती है। इसलिए भगवत इच्छा से ही, और ये जय विजय उत्तम सेवक है। उत्तम सेवक का लक्षण क्या है? जो भावना को समझ करके जिनको इच्छा को पूरी करते, उत्तम सेवक है। इसलिए उन्होंने किया कि ठाकुर को इच्छा से ही ये आए, ठाकुर को इच्छा से ही दरवाजा को उन्होंने रोका और ठाकुर को इच्छा से उन्होंने अभिशाप दिया है। इसलिए उन्होंने पहले जन्म में हिरण्यनाथ और हिरण्यकशिपु वध करके आए, दूसरे जीवन में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में सब पंडित यहाँ पे, और चतुर्थ जन्म में जगाई माता बनकर के आए है, जगाई माता बनकर के आए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, क्या युद्ध किया आज सुना है ना, ऐसे ठाकुर को साथ में युद्ध किया, ठाकुर को भी छक्का छुड़ा दिए, क्यों चाह रहे ना वीर रस आस्वादन करके। ए भगवान को साथ में कैसे युद्ध किया हिरण्यकशिपु ने, ऐसे युद्ध किया, ऐसे युद्ध किया, भगवान की भी छक्का छूट गई, भगवान की भी छक्का छुड़ा दिए। ऐसे उन्होंने युद्ध किया भगवान श्री किसको साथ में? नरसिंह भगवान को साथ में है, छक्का छुड़ा दिया। इसलिए यहाँ पर कहते जब उन्होंने मारने चाह रहे थे उनको, अपना गोद में उठा करके मारना चाह रहे थे, बोले देखो मेरे को मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले मेरे पास में वरदान। बोले क्या वरदान? बोल। बोले आकाश में नहीं मरूंगा और धरती में नहीं मरूंगा। बोले भले आदमी देख कहां पर तू लेटा हुआ है, बोले मेरे जगह के ऊपर में, आकाश में भी नहीं धरती पर नहीं। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले घर के बाहर नहीं और भीतर नहीं। बोले देख कहां पर हो? दहली पर है। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले किसलिए? किसलिए नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान लिया ना। बोले बोल रहे एक एक करके। बोले किसी महीना में नहीं मार सकते हो? बोले अच्छे तरह से याद कर कौन सा महीना, अधिक महीना मध मास पुरुषोत्तम मास है। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान दिया ब्रह्मा जी की सृष्टि किसी प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। कैसे मारो तो बताओ, मैंने पहले से वर ले लिया। बोले अच्छे तरह से देख, ब्रह्मा का मैं बाप हूँ, ब्रह्मा मेरे को सृष्टि नहीं किया, मैंने ब्रह्मा को सृष्टि की। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों बताओ ना क्या? बोले वरदान लिया ना, सब मरने का मार्ग को मैंने रोक रखा है, तो मार्ग कैसे? बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। बोले कैसे? बोले मेरे नाखून को देख, उन्होंने नख सही उनको पेट को उन्होंने गोद रखकर उन्होंने फाड़ दिए पूरे। बोले पेट फाड़ करके जितना नारी बुरी था ना गलवे पहन लिए। बोले क्यों? उनको पेट को क्यों फाड़े? बोले इसकी औरों से सही प्रहलाद जन्म हुआ है। इतने बड़े हम कहते ना भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की जयकार देते है ना, प्रहलाद महाराज इतना बड़े भक्त है, इसलिए भक्त श्रेष्ठ कहते हैं। बोले एक भक्त ऐसे प्रकट हुआ, मेरे को खंभे से प्रकट कर दिया, इतने बड़े भक्त श्रेष्ठ, इसीलिए कहते इसकी औरत से तो हुआ है ना, इसलिए ठाकुर जी इसलिए उसका पेट को फाड़ दिए, हो सकता है दो चार भक्त और निकल जाए। कहते ऐसे और दो चार भक्त इसका पेट से और निकल जाए, इसलिए उसने पेट को फाड़ दिए। फाड़ कर उन्होंने क्या किए, उसी के सिंहासन में ठाकुर जी के सिंह ठाकुर जी जो हिरण्यकश्यप का सिंहासन को, क्योंकि अभी उनको परास्त कर दिया, उनका अभी उसमें दखल हो गया ना, इसलिए उसमें उन्होंने बैठ गए। इसलिए यहाँ पर एक तरफ में क्या दिखा रहे हैं,
एक का नाम हो गया हिरण्यकशिपु दुष्ट। क्यों? जब किसी भक्तों को जन्म में हमारी अपराध, दूसरे तरफ में देखो, एक का नाम हुआ प्रहलाद, क्या हुआ प्रहलाद, मतलब क्या, जो पूर्ण रूप में आनंद है, हर समय जो खुश रहे, हर समय जो खुश रहे, जो कभी दुखी नहीं हो, है राम का दास, कभी नहीं हो उदास, है इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कोई राम के दास। इसलिए एक तरफ में प्रहलाद को दिखाया जो सचमुच हर्ष में आनंद रहता है। बोले भैया आनंद कब रहेगी? बोले आनंद तभी रहेगी जब हमारे ऊपर में किसी संतों का आशीर्वाद हो गया। किसी संतों की अगर हमारे ऊपर में आशीर्वाद हो गया ना, तब भी तुम आनंद रह सकते हो। जब तक भगवान की किसी संतों की तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं हो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे सोने की लंका, मंदोदर जैसे पत्नी और मेघनाथ जैसे बेटा, सारे देवादेवी जिनके चरण में लौटते थे, भगवान से विमुख होकर के उनको भी शांति नहीं मिली। शांति मिली किसी के विभीषण को? बोले क्यों? बोले उसकी ऊपर में श्री हनुमान जी की, संतों की कृपा हो गई, हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। हनुमान की कृपा से ही तो राम को प्राप्त किए ना, है हनुमान। इसलिए कहते हैं आज मोहि भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना। तो सब पंडित लोग सब इसलिए सब जानते हो, इसलिए कहते मिले नहीं संता, संतों के आशीर्वाद से ही हम सुखी हो सकते हैं, हम नहीं तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं सुखी कभी। इसलिए दूसरे तरफ में दिखाया प्रहलाद है, प्रहलाद है दूसरे तरफ में। कहते भैया प्रहलाद हुए कैसे? बोले संतों का आशीर्वाद से। बोले कैसे? जिस समय हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए गया, इतने में इंद्र ने आक्रमण कर दिया। बोले एक पिता होकर तो दुनिया में टहलका मचा रहे, फिर उसकी पत्नी को गर्भ में एक बच्चा, अगर बाप और एक बाप और बेटा हो गया ना, हमें तो इंद्र में, इंद्र लोक में हमको रह नहीं है, देखा नहीं इंद्र लोक में। इसलिए इंद्र ने आक्रमण करके उसको पत्नी को पकड़े और ले जा रहे थे, इतने में नारद जी आ गए है। बोले कहाँ जा ले जा रहे हो? बोले मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है, इस अभी इसकी पेट में कयाल उसकी पत्नी का गर्भ में एक बेटा है, अगर बेटा अगर बाप मिल गए ना फिर हो गया हमारे काम, इसलिए मैंने इसको ले जा रहा हूँ, जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको बच्चे को मार करके माँ को छोड़ दूंगा। बोले जानते हो पेट में कौन है? बोले कौन? बोले भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की, इसके गर्भ में साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान की श्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद, जाके राके साइया मार सकना कोई, बाग ना बांका कर सके जो जगह बैर कोई। इसलिए इसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, ठाकुर का भक्त है, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता हो। जो बोले है ना, बोले भैया मेरे को तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने उनको परिक्रमा की, परिक्रमा करके फिर उनको नारद जी को छोड़ दिए। नारद जी उनका माँ को लेकर के अपना आश्रम में गए, कहाकर कहते श्री गिरिराज गोवर्धन गए ना, नारद कुंड देखे होंगे, वहीं पर उन्होंने रहे और वहीं पर नारद जी प्रहलाद को उद्देश्य करके उन्होंने हरि कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, कथा सुना सुना करके हैं पेट में। इसलिए कहते ना गर्भ संस्कार है, अगर पेट में अगर बच्चा हो ना, जो माँ गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, भगवान की अच्छी अच्छी कथा सुनेगा ना, वो बच्चा बड़े संस्कार बनेगा। अगर पेट में बच्चा रहे तो डिस्को डांस से देखोगे, गंदी गंदी फिल्म देखोगे, उल्टा पुल्टा, फिर तो बच्चा राक्षस बन कर जाएगा। देखना कभी कभी किस बच्चा होता है, इतना अच्छे बच्चा होता है, सबरे उठे पिता माता का चरण सूचेगा, पिता माता की सेवा करेगा, लेकिन कुछ कुछ उद्दंड बच्चे होते जो तो बात नहीं सुनते, ये किसका गलती? ये माँ की गलती है, क्योंकि पेट में जो बच्चा था तुमने गंदी गंदी उल्टा पुल्टा काम किया, इसलिए बच्चा भी उल्टा पुल्टा हो गया है। इसलिए गर्भ में बच्चे रहते समय क्या करनी चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए है? कथा सुननी चाहिए ठाकुर जी को। इसलिए उन्होंने गर्भ में बैठ बैठ कर कितना 60,000 साल तक उसने तपस्या की, 60,000 साल तक है। शास्त्र कहता है क्या? बोले तुले आप लगना बिना स्वर्ग न पुनर्भव भगवत भक्त संग मरता नाम क्यों शिष्य। जीवन में अगर 1 लव साधु संभव हो जाए, 1 लव कितना? 1 सेकंड 11 भाव करो, उसका 1वां भाव को 1 लव कहते हैं।
अगर इतना समय अगर साधु संभव हो गया तो उसको जरा स्वर्ग और मोक्ष के आनंद भी बराबर नहीं कर सकते, इतने महिमा। और जो माँ के पेट में बैठी करके 60,000 नारद जैसे संतों की संग करेगा, अब बताओ कितने बड़े भक्त होने हो। हम लोग ने थोड़ी थोड़ी भक्तों का संग मिले तभी घर छोड़ करके यहाँ पर आए, तिलक लगाए, हरी कथा सुन रहे कैसे में, अगर थोड़ी सारी संतों की कथा सुन रहे तभी जाए ना। अरे नारद जी अगर किसको पर कृपा हो जाए तो बताओ क्या नहीं हो सकता। नारद जैसे संत कितना 60,000 साल तक नारद जी का अगर कथा सुने बताओ क्या नहीं होगा उसको, तो बेटा पार हो जाएगा। तभी तो भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, तभी तो इतना बड़ा भक्त श्रेष्ठ हुआ है ना, तभी तो भक्त बना इतना, समझ रहे हो। इसलिए वो माँ के पेट में उन्होंने कथा सुनी थी, इसलिए प्रहलाद ने जब बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई, तो देखो बच्चों भगवान की भक्ति भक्ति करनी चाहिए बचपन से। बोले प्रहलाद हमने सुना है क्या रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, सारे घर गृहस्थी करके बच्चों को शादी सुधा दे करके जब किसी काम की नहीं रह जाए बुढ़ा बुढ़ी हो जाए तभी मैंने सुना एक तो माला सटका लगा। तो तुम अभी से 5 साल उम्र से कहते हो भजन करो भजन करो, ये क्या है। प्रहलाद महाराज क्या बोले, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत अधिया दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्गम अर्थतम। कहते देखो भगवान की भक्ति 5 साल से करो, कितने साल से 5 साल से कर लो। बोले क्यों, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। बोले कोई गारंटी कार्ड रखा हो तुम्हारे पास में, कोरोना में कितना लोग मर गए बोलो, कोरोना में कितने लोग से तो ओडियार में कथा होती बस बदम हो जाए कि कितने लोग मर गए कोरोना में, किसको पता था इतना जल्दी निपट जाएंगे, किसको पता था चले गए कि नहीं। हमारा भी कोई ठीक है श्वास, जो थोड़ा दूसरा बार श्वास ले पाओगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं। इसलिए भक्ति कितने कद 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बोले क्यों, नहीं तो अगली जीवन में कहेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जो जीवन है ठाकुर जी बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं। बोले देत इस बिनु हेतु सनई, भगवान जो मानव शरीर दिया है बिना कारण से कैसे तुमको दे दिया, मानव जन्म पाने का कोई लायक है नहीं। ठाकुर जी कैसे कृपा करके हमें दे दिया मानव शरीर, हम योग्य नहीं है। पृथ्वी में इतने जीव है ना जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, एक ग्लास पानी लो, एक ग्लास पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं, उसी हिसाब से कितना मानव शरीर, कुछ भी नहीं है, है? कुछ भी नहीं मानव शरीर है। इसलिए बड़े भाग्य से ये मानव शरीर भगवान दिया, इसलिए बच्चों ऐसे तैसे करके जीवन को नहीं बितानी चाहिए, जीवन को भजन करते हुए बिताओ। बोले बुढ़ापा में क्यों नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया। बोले मानो हम 100 साल जिंदा रहेंगे, कितना साल 100 साल में आधा रात और आधा दिन, आधा रात तो 100 करके 50 साल गया, रह गया कितना 50 साल। 10 साल तक तो बचपन आ जाता है खेल कूद में बिता देता है, 20 साल तक तो पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, 20 साल तक गया, 50-20 कितना हो गया 70, रह गया 30। 30 का जो लास्ट को जो 80 से 100 साल का जीवन है वो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। कितना उम्र हो गई तुम्हें माता जी, 63 साल हो गया। इसी उम्र में देखो हम ठीक से बैठ नहीं पाते, एक बार बैठ तो तीन बार हाथ पैर को ये करते हैं, चलने के लिए चला नहीं जाता, बैठ गए तो उठ नहीं सकते, कान में देखना कम हो गया, आंख में सुनना कम हो गया, आंखों में देखना कम हो गया, हो गया कि नहीं है। इसलिए 60-80 से 100 साल तक तो कोई काम का नहीं, केवल शरीर का बीमारी को सोचते सोचते दिन भर जाता है, एक बीमारी के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बीच में रह गया 10 साल। 10 साल में कितने कामना, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करना, उनको नौकरी चाकरी दिलाना, उनको शादी शुदा करना, घर को ऐसे बनाना, ये बिजनेस को बढ़ाना, कितने पता नहीं 100 साल को हो गए, आप देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा एक नहीं 100 साल हो गया, लेकिन देखना हर व्यक्ति 200 साल का प्लानिंग को बना कर बैठा हुआ। तब प्रहलाद ने मतलब बताओ तुम कहते हो अगली बुढ़ापा में भजन करोगे, बताओ सारा जीवन का तो मैंने हिसाब दिया, बता दो कब भजन करोगे। इसलिए भैया भजन करो जितने जल्दी हो भक्ति करो। और प्रहलाद महाराज ने और एक बात बताई, देखो
हम जगत में जो कुछ काम करते हैं दो कामों के लिए सारे काम करते हैं। कितने काम के लिए? क्या क्या? दुख कैसे जाएगा, सुख कैसे आएगा। जितना काम करते हो उसमें दो काम क्या है? दुख कैसे जाएगा और सुख कैसे आएगा, इसलिए सारे काम करते हैं। अभी तो दुख को हटा पाए? हटा पाए? एक दुख गया नहीं, दूसरे दुख आ गया, दूसरे दुख गया नहीं, तीसरे दुख आ गया। एक लहरी समुद्र का लहरी को बाद में लहरी अच्छी बात बता रहे, तब कहते भैया क्यों दुख क्यों नहीं जा रहे, सुख क्यों नहीं आ रही है, कारण क्या? बोले एक ही कारण है, हमने चुके भगवान को भूल गए हैं, इसीलिए ये सारी दुख आ रही है। अगर एक अगर गलती को अगर सुधार दे तो सब सुधार हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं, जैसे उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे एक हाथ में फोड़ा हो गया, देखना एक फोड़ा हो गया ना, अगर उसको मलहम पट्टी लगाओगे देखना दूसरे जगह पर फोड़ा होगी, उसको अगर मलहम पट्टी कर तीसरे जगह पर फोड़ा फिर वही फोड़ा, क्यों फोड़ा हो रही है? तुम्हारा जो ब्लड है ना, रक्त खून खराब हो गया है। लेकिन अगर तुमने खून को ही सही कर दिया बस तुम्हारी फोड़ा खत्म, फोड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज को अगर दूर नहीं करोगे तो भैया एक को दुख दूसरे दूसरे से तीसरे, वो ब्लड खराब हो गया मतलब क्या? सारे दुख का जड़ है, हमने भगवान की भजन को छोड़ दिए, असली पिता को हमने छोड़ दिए, असली माँ को छोड़ करके नकली पिता माता बना दिया, और यही सही सुख मांगना चाहते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इसलिए सुख तो चाहते कहाँ पर? किसी जड़ जगत, बीवी बच्चे दुनियादारी से सुख चाहते। अरे जो स्वयं दुखी दुनिया में वो क्या तुमको सुख देगा? जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप उनसे सुख मांगो ना, वो कौन? ठाकुर जी है। जब तक उनके चरण में नहीं जाओगे नित्य में जो कुछ कर लो सुख मिलने वाले नहीं। प्रहलाद महाराज ये सिखा दे बच्चों, जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करते हो तब तक जीवन में जो कुछ भी कर लो सुख मिलने वाले नहीं। अगर तुम सुख चाहते हो भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। इसलिए चूंकि वो प्रहलाद उसके पेट में थे, पेट में उन्होंने ये सारे ज्ञान को प्राप्त किए, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? प्रहलाद, जो संपूर्ण रूप में आनंद है। अगर हम जीवन में तभी आनंद में रह सकते हैं जब जीवन में भगवान की भक्ति संतों का संग करके तभी जीवन में आनंद में रह सकते हैं। इसलिए जो सप्तम स्कंध है इसलिए उसका नाम उत्ति, उत्ति मतलब कर्म वासना है। इसलिए एक अच्छी एक बुरी है, संतों की आशीर्वाद से अच्छा भावना आती है, संतों बिगड़ जाने पर तुम्हारे हृदय में बुरी भावना आती है। इसलिए क्या करो, संतों की शरण में जाओ और भगवान की भक्ति करो। निताई गौर प्रेमानंद, आप लोग अब चले जाओ, आप लोग नीचे चले जाओ, गुरु जी की समाधि में चले जाओ, वहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ पर सब कुछ चले जाओ, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर। जो लोग एक चक्र जाना चाहते हो वहाँ पर वो भक्त तुम इसको पास में नाम लिखा कर चलते हैं, ठीक है। अपना 500 रुपया देना और नाम, क्योंकि हम पता चलेगा इतना लोग जाए उसी हिसाब से हम बस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ नाथ मंदिर में, आप लोग नीचे चले जाना, मैं ऊपर जा रहा हूँ।